जम्मू कश्मीर में पहली बार पत्थरबाजों ने आर्मी के एक जवान की हत्या कर दी है। शहीद राजेंद्र सिंह बीआरओ की क्विक रिएक्शन टीम में शामिल थे। अनंतनाग में उनकी टीम पर पत्थरबाजों ने हमला किया। सिर पर पत्थर लगने से घायल राजेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जवान की जान गई है। 22 साल के सिपाही राजेंद्र सिंह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। वो 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया। सोपोर के पजलपुरा गांव में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में 10 आतंकी मारे गए हैं। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में राहुल गांधी ने दयाल सिंह कॉलेज से सीबीआई मुख्यालय तक मार्च की अगुवाई की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। राहुल गांधी समेत कई नेता इस दौरान लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में तकरीबन एक घंटे तक हिरासत में रहे। राहुल गांधी ने कहा, आलोक वर्मा को पद से हटाने से प्रधानमंत्री को कोई फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, मगर छुप नहीं सकते हैं सच्चाई से। सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में देश को पता लगेगा कि देश के चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाले। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी आज कांग्रेस ने सीबीआई विवाद को लेकर प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। सीबीआई विवाद पर सरकार ने कहा है कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए वो राजनीति कर रही है। कांग्रेस के पास जो है जनहित से जुड़ा मुद्दा कोई शेष नहीं बचा है, इसलिए अनावश्यक इधर उधर के मुद्दों को लेकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीबीआई विवाद में सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। जिस इंस्टीट्यूशन के बहाने हमें आपको डराया जाता था, आज सोचो सरकार कैसे चुपचाप बैठ गई है, कैसे सरकार के तोते उड़ गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच बिहार में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। इसके मुताबिक बिहार में दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिहार में जदयू और भाजपा दोनों एक समान सीटों पर लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। जेडीयू और भाजपा बराबर सीटों पर लड़ेगी और बाकी लोगों की सीटों की संख्या के बारे में अंतिम दौर में बातचीत चल रही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2014 के चुनाव में एनडीए ने बिहार में 31 सीटें जीती थी, जबकि नीतीश की पार्टी जेडीयू सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी अरुण परेरा और वर्नन गोंजाल्विस को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी अब तक हाउस अरेस्ट थे और उन्होंने सेशन कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन पुणे सेशन कोर्ट ने आज सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने जिन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है उनमें सुधा भारद्वाज भी शामिल है। तीनों आरोपी 29 अगस्त से हाउस अरेस्ट है। इससे पहले आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की एसआईटी जांच की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया था। गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे। पटना में बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली में मेवाणी ने 9 मिनट के भाषण में कई बार प्रधानमंत्री को गाली दी। बिहार और यूपी के मजदूरों को गुजरात में मारा गया, 12-15 दिन मारा गया, लेकिन इस नमक खराब की जुबा से एक शब्द तक नहीं। इस रैली में मेवाणी ने दावा किया कि मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो चुका है और पूरा विपक्ष 2019 में मोदी को हरा कर दिखाएगा। मेवाणी राहुल गांधी के समर्थक हैं, लेकिन मेवाणी की इस आपत्तिजनक भाषा पर कांग्रेस ने उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को सभी कंपनियों और डायरेक्टर्स के 10 साल की बैंक डिटेल्स फॉरेंसिक ऑडिटर्स को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से कहा है कि वो अगले 24 घंटे में सभी दस्तावेज
फॉरेंसिक ऑडिटर्स को मुहैया कराएं। इसके अलावा अदालत ने साफ किया कि आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर हिरासत में ही रहेंगे, डायरेक्टर पुलिस की निगरानी में होटल में ही रहेंगे और उन्हें परिजनों से मिलने की इजाजत नहीं होगी। बायर से धोखाधड़ी के आरोप में आम्रपाली के CMD अनिल शर्मा समेत 3 डायरेक्टर नोएडा के एक होटल में नजरबंद हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों के जापान दौरे पर रवाना होने से पहले कहा है कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। 28 और 29 अक्टूबर को जापान यात्रा पर जा रहे पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत और जापान के रिश्तों में आर्थिक और रणनीतिक तौर पर बदलाव आए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली जापान यात्रा के बाद पीएम शिंजो आबे के साथ उनकी ये 12वीं मुलाकात होगी।